मर गया, थैला फिर बदल लिया और आज का टेस्ट भी है। आज हम सीखेंगे फिश कटलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सब अपनी अपनी मछलियां निकालिए। हाँ तो लड़कियों, मैं कह रही थी ये क्या है? बैंगनी मच्छी। अरे सीमा, अरे सीमा, फिर गड़बड़ हो गई। मेरे बैंगन तुम्हारे हाथ में और तुम्हारी मुर्गी मछली मेरे मेरे बैग में है। वाह साहब, क्या बात है। कौन सी नगरी है ये? माया नगरी। माया नगरी। अच्छा एक बात बताओ, जो आदमी यहाँ आता होगा बाहर जाने का रास्ता तो भूल ही जाता होगा। वो यहाँ से बाहर जाना नहीं चाहता। आइए जनाब, आइए आइए। गुड मॉर्निंग चंपा। गुड मॉर्निंग केवी। वो देखो, अरे अभी तो ऑफिस देखा है, लड़कियां देखोगे तो पागल हो जाओगे, एक से एक। इधर बॉस का ऑफिस है और अगर उस तरह चलोगे तो अरे अंदर का जा रहे यार। अरे वाह क्या बात है यार। अमर ये हुआ ना यार। अमर मेरे पास तो नहीं है, मेरा केबिन नहीं है, क्या कर रहा तू? अरे कुर्सी भी मेरी नहीं है, अगर कहीं बॉस आ गया तो तेरी नौकरी तो दूर, मेरी नौकरी भी जाती रहेगी। प्लीज उठ जा यार, अब उठता कि नहीं। ये क्या हो रहा चंपक, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कौन है आदमी? सर सर, ये मेरा फ्रेंड है, दोस्त। हेलो राजीव, हाय। कौन हो तुम और ये मेरी कुर्सी पर कैसे बैठ गया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? राजीव तूने मुझे पहचाना नहीं यार? मैं तेरा स्कूल फ्रेंड अमर, अमर सक्सेना, फोर्थ रो। हा? कौन सक्सेना? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और ये यार बार नहीं चलता इस ऑफिस में, इसे तुम लाए हो चंपक? सर इसमें चंपक का कोई कसूर नहीं है, मैं यहां खुद आया हूं। पैसा पाने के बाद आदमी इतना बदल जाता है, इससे सुना था, आज देख भी लिया। सॉरी चंपक, खामा कर तुझे मुसीबत में डाला, सॉरी यार। सारी बातें याद हैं, लेकिन मेरी मजाक करने की आदत भूल गया साला। वाह क्या सीन है। इतने साल कहाँ रहा, गायब ही हो गया? बस जिंदगी करीब से देख रहा था, लॉ का एग्जाम दिया है, नतीजे के इंतजार में हूं। और तब तक एक आध नौकरी मिल जाए, राइट? तुम्हें कैसे मालूम? लिफाफा देखकर मजबून पढ़ लेते मियां। अच्छा। ऐसे क्या देख रहा है? देख रहा हूं तुम मॉडल कैसे लगोगे। मैं और मॉडल? ये और मॉडल? तुम और मॉडल? क्यों, मैं मॉडल नहीं बन सकता? एक मिनट अभी दिखाता हूँ, ये देख। हंसती क्या है? मॉडल सूरत देखी अपनी? ए, सूरत की बात मत करना, इसी सूरत ने चमत्कार दिखाया, मेरी पर्सनालिटी ने उसे फ्लोर कर दिया था। अपनी एक खास बात किसी खास इंसान से कहने आया हूं, और वो भी साफ साफ लफ्जों में। इससे पहले आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, और मुझे यकीन है तुम भी नहीं करोगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मैं समझा देता हूं सीमा, ये कुछ दिन जो हमने साथ गुजारे हैं, ये मुलाकातें हमें करीब ले आई हैं। मैं इन मुलाकातों को मायने देना चाहता हूं,
नाम देना चाहता हूं। यानी? यानी दिन तो हमने गुजारे हैं, कुछ रातें गुजारना चाहता हूं तुम्हारे साथ। अच्छा, अब मैं समझी, आप इन मुलाकातों को नाम नहीं दे रहे, बदनाम कर रहे हैं, दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, अपनी गरज से, अपने मतलब से करीब आए हैं। आपकी पार्टीज, आपकी ड्रेस रेसेस और ये नेकलेस, ये सब मुझे खरीदने के लिए बहलावे थे, और मैं आपको दोस्त समझ बैठी। सीमा, दोस्ती महज एक लफ्ज है जिसका कोई मतलब नहीं। तुम्हारी इस दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग हैं, कुछ खरीदार हैं, बाकी सब बिकते हैं। अपनी दुनिया कहिए मिस्टर राजीव सिन्हा, मेरी दुनिया के बारे में आप कुछ नहीं जानते, माफ कीजिएगा। मेरी दुनिया की एक रस्म है सीमा, दाना फेंकिए पंछी आ जाता है। आप ये भी नहीं जानते, दाना फेंकने से कबूतर आता है, कौवा आ सकता है, कोयल नहीं आती। कोयल अगर दाने पर नहीं आती तो जाल में आ जाएगी। बहुत घमंड, बहुत गुरूर है आपको। सुन लीजिए, मैं गरीब सही लेकिन बिकाऊ नहीं, आप खरीदार हैं लेकिन मैं कोई चीज नहीं जिसका आप सौदा करें। जाइए, अपनी इस गंदी भूमारती हुई दुनिया को यहां से उठा कर ले जाइए। गेट आउट। सीमा, मैंने कभी हार नहीं मानी, मैंने जहां निगाह रखी उसे पाया है, जहां हाथ रखा उसे खरीदा है। कोठेवाली की बेटी, मैं तो देखकर ही समझ गई हूँ, सुना है ये कोठेवाली की बेटी है। हाँ, मगर इसकी माँ की सजा ऐसे क्यों? तुम बेटी की बात करते हो, मैं कहती हूँ पुष्टों को सजा मिलती है। सुनो, तुम क्यों? तुम चुप रहो जी, तुम तो अपना बक्सा उठाकर ऑफिस चले जाते हो, इस मोहल्ले में तो मुझे रहना है, और फिर काजल भी तो है, अभी कॉलेज जाती है, कल इसका ब्याह करना है, कौन आएगा इसका हाथ मांगने? तुम ठीक कहती हो भाभी, मैं समझ गया, दुनिया से लड़ सकता हूं लेकिन घर वालों से नहीं लड़ सकता। और फिर तुमने काजल का वास्ता दिया है, मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूं। चलो सीमा। चाचा, पगली, घर छोड़कर जा रहा हूं, शहर छोड़कर नहीं जा रहा। ये मेरे दोस्त अरविंद का खाली पड़ा हुआ फ्लैट है। हाँ? कुछ दिनों की बात है, गुजारा कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये तो मानते हो अमर कि हमने तुम पर मेहरबानी की है? एक मेहरबानी तो ये कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त से अलग कर दिया। वो इसी लायक था, दोस्ती के नाम पर दाग था वो। दूसरी ये कि तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला। कुछ ही दिनों की तो बात है सीमा, और अब तुम्हें यहां इस उजाड़ टूटे हुए मकान में ले आए, है ना कमाल अपना। हे हे सीमा, सीमा नहीं, खिड़कियों दरवाजों दीवारों का नाम घर नहीं, घर बनता है इंसानों से। सीमा,
अरे पगली, दिलों में प्यार हो तो इंसान पेड़ के नीचे भी जिंदगी गुजार लेता है। हिम्मत नहीं हारते, हम भी ऐसा ही घर बनाएंगे। अपना घर।